अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मीठे में बहुत ही डिलीशियस फूड लेके आई हूँ जो कि सर्दियों में बहुत ही इफेक्टिव होती है और आपको दिन भर एक्टिव रखेगी, आपको सर्दियों के इफेक्ट से बचाएगी। नाश्ते में आप इसका एक चमचा खा लें, पूरा दिन आप एक्टिव महसूस करेंगे। इसका नाम है बेसन का हलवा। ये बेसन का हलवा है और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी आई थी। इस बेसन के हलवे को आप लोग आराम से दिवाली के मौके पे भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम अपने ये दो एग लिए हैं, इसको हम तोड़ के इसमें डालेंगे और शुगर है वो इसमें मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से और एक साइड पे रख लेंगे। इसको हम अच्छी तरीके से शुगर को हम अंडे में मिक्स कर देंगे। बेसन का हलवा हम बनाना शुरू करते हैं। एक मैंने नॉन स्टिक पैन ले लिया है, इसको हम पहले मीडियम फ्लेम पे ऑन कर देते हैं और उसके बाद हमारे पास जो ये देसी घी है इसको हम इसमें सारा डाल देंगे। आप कोकोनट ऑयल में भी बहुत अच्छा खुशबूदार बनेगा ये हलवा। मीडियम हीट पे हम घी को गर्म करेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, हम इसको चेक कर रहे हैं। ये हमने वुडन स्टिक ली है उसको हम चेक कर रहे हैं, ऑयल गर्म हो गया है, ये घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपने 1/3 कप जो है आलमंड डाल देंगे, छीलना नहीं है, 50 ग्राम आलमंड लेंगे। अब हम इसको हल्की आग पे मुसलसल इसको हम हलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। इसको हमने रोस्ट करना है, रोस्ट करके हम इसको निकाल देंगे। जब आपको बादाम में से चिटकने की आवाज़ आती है एक बादाम की, तो आप समझ जाएं कि आपके बादाम जो हैं रोस्ट होना शुरू हो गए हैं। उस स्टेज पे आप इसको निकाल लेंगे, रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसको किसी भी प्लेट बर्तन में निकाल के रखेंगे। अब हम इसमें 1 कप बेसन डालेंगे। 1 कप बेसन है, अगर हम इसको ग्राम में नापेंगे तो ये 100 ग्राम में है। इसको आपने छान लेना है ताकि इसमें जो दाने बने होते हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब हम इसको डालते हैं। अब इसको हटा के मैं थोड़ा सा इसको भून दूं ताकि ये स्टार्ट हो जाए भूनना। चूल्हे से मैंने उठा दिया, थोड़ा सा ये घी मिक्स कर दूं। अब इसको हम बहुत ही लो फ्लेम में स्लो स्लो कुक करेंगे 5 मिनट के लिए। इतना कुक करेंगे कि ये गोल्डन कलर का हो जाए और इसमें से खुशबू आने लग जाए। भूनने से पहले अब मैं इसमें 1 टीस्पून कार्डियम पाउडर है, ये मैंने घर में खुद ही इलायची में से दाने निकाल के उसको मैंने कूट लिए है। स्पून ये एनी सीड है या सौंफ कहते हैं, ये बहुत अच्छी खुशबू देगी, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। मीडियम आग पे भून रहे हैं और कोशिश करें कि इसमें बबल आते रहें और आपको पता हो कि ये भून रहा है। अभी 8 to 10 मिनट के लिए भूना है। अभी ये ब्राउन होने लग गए हैं, डार्क होने लग गए हैं और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आने लग गई है। इस स्टेज पे हम अपनी चीज़ें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ज़ाफ़रान के जो थोड़े से धागे होते हैं वो मैंने 1 1/2 टीस्पून लेके 2 टेबलस्पून वार्म मिल्क में भिगो दिया था, वो हम इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। और हमने जो बादाम किए थे रोस्ट वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें जो अंडे और शुगर का मिक्सचर था वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से कुक करते रहेंगे मुसलसल मीडियम आग पे, हम इसको बनाएंगे। हमने इतना रखना है, इसको हलाना है ताकि ये एक कंसिस्टेंसी में आ जाएंगे, उसके बाद ये कुक हो जाएगा ताकि अंडे भी अच्छी तरह कुक होके मिक्स हो जाएं इस हलवे में। अब ये इस स्टेज पे जब ये सारा एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंसी हो गई है, अब इस स्टेज पे हमारा ये हलवा कुक हो गया। इसको आपने ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो आपका अंडा जो है वो बिखर जाएगा और ये अलग अलग हलवा हो जाएगा। अब हम इसको सर्विंग डिश में निकालेंगे। ने इसको सर्विंग डिश में डिश आउट कर दी है। शेल्फ लाइफ इसकी 1 वीक है। आप किसी भी डब्बे में स्टोर कर दें और आप नाश्ते में इसको 1 टेबलस्पून खाएं, आपको बहुत ही ताकत देगा ये। और इसके अलावा आप फ्रिज में भी इसको स्टोर कर सकते हैं, 2 वीक से लेके 1 मंथ तक आप किसी भी डब्बे में रख लें और इसको एक चमचा निकालें
और फ्राई पैन में डालें, गरम करें और इंजॉय करें इसको नाश्ते में।